बी अ पार्ट ऑफ पावरफुल डिजिटल न्यूज नेटवर्क नवी मुंबई नेटवर्क, तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि पनवेल महानगर पालिका ने 22 मई को किन किन क्षेत्रों को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया है। सबसे पहले बढ़ते हैं पनवेल की तरफ। निकिटा और वृशाली नाका को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया है। तुलसी लीला कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड कालुंद्रे को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया है। लाइन आड़ी नीलाकांत दर्शन CHS कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। अरिहंत प्लाजा गोडबोले कंस्ट्रक्शन नियर सुरुचि होटल को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया है। देवगौरव CHS नियर ओरियन मॉल को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया है। MG रोड टपाल नाका कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। शनि मंदिर टपाल नाका टू पंचरतन चौक रोड को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया है। तुलसीबाग CHS नियर गार्डन होटल को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया है। परमेश्वरी निवास प्लॉट नंबर 45 एंड 52 को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। परिजात बिल्डिंग नियर उरण नाका कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। सहयोग सोसाइटी ई विंग लोशी आड़ी को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। मोराज रिवर साइड पार्क T02 टक्का को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। आकांक्षा एवेन्यू विंग 13 अपोजिट कालन समाज मंदिर थाना नाका रोड को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। माउली दर्शन बिल्डिंग कालुंद्रे गांव को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। साई मन्नत सोसाइटी प्लॉट नंबर 71-72 कालुंद्रे कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। साई सिद्धि बिल्डिंग ए विंग कालुंद्रे को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। कल्पतरु रिवर साइड CHS बिल्डिंग नंबर 3 ए विंग को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। चैनल एलिगेंस पैराडाइज टक्का को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। टक्का गांव नियर मराठी स्कूल हाउस को भी कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। अब बढ़ते हैं न्यू पनवेल की तरफ। न्यू पनवेल में सेक्टर 14E1/2C/8 बिहाइंड सिकेट स्कूल को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। सेक्टर 6 202 मार्वल्स ग्रुप रीति साया न्यू पनवेल को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। सेक्टर 6 रूम नंबर 4 सुष्मित सोसाइटी प्लॉट नंबर B43 नेशनल कॉम्प्लेक्स कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। पुष्पमाला कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रूम नंबर 204 सेक्टर 4 प्लॉट नंबर 8083 कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। सेक्टर 9 महावीर विला प्लॉट नंबर 102 कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। एरो टॉवर ए विंग रूम नंबर 103 कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। सेक्टर 6 खांदा कॉलोनी H7 गार्डन व्यू CHS रूम नंबर 2 कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। सेक्टर 17 साई श्रद्धा CHS प्लॉट नंबर 12 खांदा कॉलोनी मोरे हॉस्पिटल बिल्डिंग कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। सेक्टर 4 प्लॉट नंबर 158-159 पुष्पमाला CHS कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। सेक्टर 16 सबकाल चोल नियर पिल्ले कॉलेज कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। सेक्टर 7 श्रीजी संघ खांदा कॉलोनी कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। सेक्टर 15 गुलमोहर पार्क सोसाइटी प्लॉट नंबर 6 कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। सेक्टर 7 विजन सोसाइटी नियर पिल्ले कॉलेज खांदा कॉलोनी कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। सेक्टर 6 नीलाकांत पार्क CHS बी विंग प्लॉट नंबर 18 खांदा कॉलोनी कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। सेक्टर 13 प्लॉट नंबर 22 सिडको कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। सेक्टर 13 ए टाइप 71/3 कावेरी CHS सेकेंड फ्लोर नियर BSNL ऑफिस कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। सेक्टर 13 सिडको कॉलोनी ए टाइप कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। सेक्टर 13 सिडको कॉलोनी चौल नंबर 11 ए टाइप कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। सेक्टर 13 वसंत निवास चौल नंबर 48 ए टाइप सिडको वसाहत को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। और सेक्टर 9 धनलक्ष्मी अपार्टमेंट प्लॉट नंबर 90-91 को भी कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। बढ़ते हैं कलम्बोली की तरफ। कलम्बोली में सेक्टर 4 CISF कैंप प्लॉट नंबर 14 को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। सेक्टर 4 प्लॉट नंबर 26 साई नगर ए विंग को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। वहीं नवाड़े खिड़कपड़ा विठल मंदिर को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। LIG कॉम्प्लेक्स F/60 कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। सेक्टर 4 प्लॉट नंबर 7 गोकुलधाम ए विंग कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। सेक्टर 2E एक्स सर्विसमैन CHS रूम नंबर 401 कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। सेक्टर 4 बिल्डिंग नंबर 9 KL4 कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। सेक्टर 3/E KL5/44 नियर सुधागढ़ हाई स्कूल कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। सेक्टर 10/E कुबर पैलेस प्लॉट नंबर 9 रोड पाली कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। सेक्टर 4 गुरु विला कॉम्प्लेक्स ए विंग प्लॉट नंबर 23 कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। सेक्टर 11 गुरुकुत्री कॉम्प्लेक्स सी विंग प्लॉट नंबर 24 कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। सेक्टर 11 नील संकुल CHS बी विंग प्लॉट नंबर 20C कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। सेक्टर 1E सत्य संस्कार सोसाइटी सी विंग प्लॉट नंबर 30 कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। सेक्टर 1E
ई संस्कृति अपार्टमेंट प्लॉट नंबर 30C विंग कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित, सेक्टर 2E LIG02 बिल्डिंग नंबर 29 कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित, वही सेक्टर 15 ब्लैक स्मिथ कॉर्नर ए विंग प्लॉट नंबर ए कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित, वही सेक्टर 15 पाम विहार बी विंग को भी कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है और सेक्टर 4 प्लॉट नंबर 14 को भी कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। अब देखते हैं कि खारगर में किन किन क्षेत्रों को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। खारगर सेक्टर 10 लविस्ता CHS बी विंग प्लॉट नंबर 256-257 कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित, प्रेमनाथ गायकर चौल कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित, सेंट सिटी सोसाइटी प्लॉट नंबर 201 कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। सेक्टर 11 में फ्रेंड CHS प्लॉट नंबर 25 को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है, वही सेक्टर 12 में अशोका रेसिडेंसी प्लॉट नंबर 3 कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित, सर्वोदय CHS प्लॉट नंबर 138 और ओमकारेश्वर CHS रूम नंबर 304 को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। बालाजी हाइट सेक्टर 13 को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है, L488 रघुनाथ विहार सेक्टर 14 को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। बढ़ते हैं सेक्टर 15 की तरफ। सेक्टर 15 में C9 रूम नंबर 11 घरकुल CHS, मकरंद विहार CHS 804, कुंज विहार बिल्डिंग नंबर 10 प्लॉट नंबर 15 और मातृछाया सोसाइटी बिल्डिंग नंबर C3 को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। वही सेक्टर 19 में देवदर्शन कॉम्प्लेक्स और प्लॉट नंबर 2324 रूम नंबर C103 को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। खारगर सेक्टर 2 विघ्नहर्ता CHS बी विंग प्लॉट नंबर 10 कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित, खारगर सेक्टर 20 फ्लैट नंबर 801 ओम सृष्टि अपार्टमेंट प्लॉट नंबर 51A और सेक्टर 20 में हावरे गुलमोहर बिल्डिंग ए विंग को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। बढ़ते हैं सेक्टर 21 की तरफ। सेक्टर 21 में चतुर्भुज CHS प्लॉट नंबर 6162, ध्यान साधना सोसाइटी बी विंग प्लॉट नंबर 63, तपोवन CHS बी विंग प्लॉट नंबर 167 और श्री निकेतन प्लॉट नंबर 5 को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। मातोश्री बिल्डिंग सेक्टर 3 बेलपाड़ा को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। सेक्टर 34 में साई मन्नत और सिमरन सफायर CHS को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। सेक्टर 34H स्मिथ CHS को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। वही सेक्टर 35 में जयनाई प्लॉट B501 और मयंक रेसिडेंसी को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। सेक्टर 36 में E15 और E19 बिल्डिंग स्वप्नपूर्ति CHS को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। खारगर सेक्टर 4 निकुंज CHS प्लॉट नंबर 14 अपोजिट येरला मेडिकल को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। सेक्टर 5 में आदिराज एक्वा और सावली CHS को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। खारगर सेक्टर 8 में भूमि हाइट्स और शांति निकेतन को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। वही तलोजा में पंचानंद सेक्टर 9 प्लॉट नंबर 14 उमा पैराडाइज, पांडुरंग निवास बिहाइंड लक्ष्मी नारायण बिल्डिंग तलोजा गांव और कलमबोली RF कैंप को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। बढ़ते हैं कामोठे की तरफ। कामोठे में सेक्टर 1 वरद विनायक CHS को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। सेक्टर 5 मारुति धाम और मारुति टावर को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। वही सेक्टर 5 स्टार A1 बिल्डिंग को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। कामोठे सेक्टर 6 में अनंत वाटिका सी विंग प्लॉट नंबर A205, सनिन संगम अपार्टमेंट और स्नेहल अपार्टमेंट को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। कामोठे सेक्टर 6A विजयदीप अपार्टमेंट कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित। कामोठे सेक्टर 7 में आदित्य कॉम्प्लेक्स, जय गणराज बिल्डिंग, श्रीराम मार्केट और श्री गणेश CHS कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किए गए हैं। कामोठे सेक्टर 8 में अनिरुद्ध आस्था सोसाइटी, पुष्पक गंगा CHS और महावीर वास्तु को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। वही सेक्टर 9 में पुष्प गंगा CHS, साई प्रार्थना, शिव सागर सोसाइटी को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। कामोठे सेक्टर 10 में B5345 मारुति एनक्लेव, साई प्रतिमा CHS, सत्यम प्लैटिनम CHS, श्री अष्टविनायक कृपा सोसाइटी और विक्रम टावर को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। कामोठे सेक्टर 11 में कृष्णा अपार्टमेंट, कर्ण रेसिडेंसी, महादेव पाटिल बिल्डिंग, नंदकृपा CHS, संकल्प CHS प्लॉट नंबर 29, साई कृपा CHS स्काय गोल्ड अपार्टमेंट, शिव कृपा CHS प्लॉट नंबर 34, वसंत पार्क CHS, शीतल धारा कॉम्प्लेक्स को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। कामोठे सेक्टर 12 में साई धाम और आशियाना कॉम्प्लेक्स को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। वही कामोठे सेक्टर 14 में लेक व्यू सोसाइटी और विस्ता कॉर्नर सोसाइटी को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। कृष्णा रेसिडेंसी कामोठे सेक्टर 15 को भी कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है।
कामाटे सेक्टर 16 में इंदिरा महल सीएचएस, प्रेम प्राइड सीएचएस और सूरत सदन सीएचएस को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। वही सेक्टर 17 में रिद्धि सिद्धि दर्शन सोसाइटी और शिव कल्पतरु को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। कामाटे सेक्टर 18 में हरिओम कॉम्प्लेक्स, प्लॉट नंबर 50 डी विंग और तिरुपति एनक्लेव सोसाइटी को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। कामाटे सेक्टर 19 श्रीखर कॉम्प्लेक्स को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। वही कामाटे सेक्टर 20 सिद्धिविनायक कॉम्प्लेक्स को भी कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। कामाटे सेक्टर 21 में गौरी शंकर सोसाइटी, रॉयल हाइट बिल्डिंग, साई रचना, शुभा आर्केड को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। कामाटे सेक्टर 22 में गगनगिरी अपार्टमेंट, हावरे ग्रीन पार्क, हावरे निर्मित बिल्डिंग और तिरुपति सीएचएस को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। कामाटे सेक्टर 24 प्लॉट नंबर 12 डी को भी कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। कामाटे सेक्टर 34 में हरि निवास, मानसरोवर कॉम्प्लेक्स, ओम साई दर्शन और रवि रतन कॉर्नर को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। कामाटे सेक्टर 35 में अथरी बिल्डिंग, प्लॉट नंबर 83, आरबीके नंबर 4, साई पूजा आर्केड और साई सागर सोसाइटी को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। कामाटे सेक्टर 36 में कृष्णा अपार्टमेंट, सिद्धिविनायक बिल्डिंग, सूरज कॉम्प्लेक्स और तिरुपति कॉम्प्लेक्स को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। कामाटे विलेज सेक्टर 14 को भी कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है।